been MIA for a really really long time and वो जो मैं एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी but we as a family we were going through an unforeseen emergency. Slowly everything is coming back to track now. So I thought कि how to compile जो भी छोटे छोटे snippets मैंने 3 weeks back मैंने क्लिक करके रखे थे शूट करके रखे थे थोड़ा थोड़ा. सो आई वोंट कॉल दिस अ व्लॉग बट आई विल ट्राई टू यू नो मेक दिस अ नैरेटिव एक्सपीरियंस एज मच एज पॉसिबल. तो प्रॉबेबली वॉइस ओवर दे के जहाँ जहाँ पे आई फील कि द वीडियो इन इट सेल्फ इज़ नॉट क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई नो इट विल बी अ लिटल हाफ हज़र्ड बट क्या कर सकते हैं. तो देर वाला कपल ऑफ ड्रिलिंग के काम थे जो जिसके लिए हमने अर्बन क्लैब को बुलाया था. कुछ वॉल हैंगिंग्स थे, एक नेम प्लेट था. सो बट देन दे डिड इट वेरी वेरी एफिशिएंटली एंड आई थिंक एक घंटे के अंदर देर वर 5-6 ड्रिलिंग के काम जो कि हो गया था. घर में काम काम हो गया है खत्म कारपेंटर लोगों का. तो अभी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कैसे हमने पोजीशन किया है, प्लेस किया है जो भी सारे वॉल डेकोर्स एंड जो भी कुछ था. एंड लुकिंग रियली क्यूट एंड प्रिटी. तो यहाँ पे ये एक कॉर्नर शेल्फ हमने लगवाया, यहाँ पे ये एक स्वास्तिका वॉल डेकोर और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. स्पेशली आई फील लाइक इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द टेक्स्चर्ड वॉल एंड एक्सेंचुएटिंग द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्चर्ड वॉल इवन मोर. तो ये है और बाहर नेम प्लेट है वो मैं दिखा रही हूँ. तो नेम प्लेट कुछ ऐसा दिख रहा है, इट्स वेरी प्रिटी. घर कुछ अभी ऐसा लग रहा है देखने में. याय क्यूट. तो अभी बज रहे हैं 4:30 एंड हम लोग प्लान किए थे हमें थोड़ा सा न्यू टाउन की तरफ जाना है कुछ काम से. तो वहीं पे वी विल एक बार मेक अ छोटा सा स्टॉप इन इको पार्क क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम से इको पार्क जाना था. बट इको पार्क इतना स्प्रेड आउट है कि एक घंटे में कवर करना पॉसिबल नहीं है. तो जितना भी हो सके वी विल जस्ट गो देयर एंड चिल एंड देन कम बैक. बट अभी ऑलरेडी हमें निकलना था 4:30 को बट सब लोग रेस्ट करें सो आई थिंक 5:30 को निकले. आया है इको पार्क. मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है, यहाँ पे सडनली बादल भी छा गए. इको पार्क जिसको बंगाली में कहा जाता है प्रकृति तीर्थो, ये शुरू हुआ था 2012 में. द फाउंडर वाज सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी. एंड कहा जाता है कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं बट पूरे इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन पार्क है एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 480 एकर्स ऑफ लैंड जहाँ पे एक मिडिल में वाटर बॉडी एंड आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है. बट इसका आई थिंक प्राइम अट्रैक्शन है द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि स्प्रेड अक्रॉस है पूरे एरिया में. एंड इसके हमने तो एंट्री किया था गेट नंबर 1 से जहाँ पे हमें एंट्री फीस देनी पड़ी थी 50 पर हेड. बट आप लोग 3 और गेट्स हैं, गेट 2 गेट 3 गेट 4, किसी भी गेट नंबर से आप लोग एंटर कर सकते हो. बट वही है कि जिस भी गेट नंबर से आप एंटर करोगे यू विल बी वेलकम टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्क. काम ख़त्म करके हम घर वापस आ गए थे एंड सडनली गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग नीचे आ गए थे कैंपस में थोड़ा सा चिल करने के लिए. और हमें मिला वहाँ पे एक नन्हा सा
cat. And yeah, so this will be all for today's video. I hope you guys enjoyed it. I will see you in my next. Up until then, take care, stay safe, and bye.